लग गई है, ये लग गई है, ये विक्रम बैदार के खेल खेली मेरे साथ। ओह माय गॉड, चौबीस लड़की को मुझसे, ये लड़की विक्रम बैदार बन गई है, विक्रम बैदार बन गई है लड़की। ये देखिए, ये लड़की दांत देखना तो, इस लड़की का दांत टूट गया, हिल रहा है। अरे देखिए, आज ये मार खाने के मन में, आज मम्मी से, क्योंकि बिस्तर पे पानी गिरा दिया। ये देखिए लड़की क्या रही है, ये हरकतें क्या हुआ है? अरे ये देखो, ये लड़की जब से मैं इसे पीटा हूँ ना, तब से ये पागल हो गई। देखिए इसका हरकतें देखो, ये देखो। ये आज ये नाक चढ़ी बनेगी, आज इसका नाक देखो, ये देखो इसका नाक, ये देखो भैंगी, ये भैंगी बनना चाह रही। हाँ आपको क्या बनना, पापा कुछ। देखिए ये लड़की जो है अपनी मर्जी का चैनल लगा के टीवी देख रही है, तो इसलिए ये रो रहा है कि इसे रिमोट सुबह से एक बार ही नहीं मिला। देखिए क्या सूरत बना ले खसने रो रो के, सिर्फ रिमोट के लेके ताकि अपने पसंद का देख सकूँ। तो ये देखिए, ये अपने पसंद का नहीं देख पा रहा है, ये अपना माइनक्राफ्ट लगा के देखना चाहता है, और ये लड़की सिर्फ रिमोट छीनो। तो देखियो रो रो के अपना भंगन जैसा शक्ल बना ली है। अगर काम में नहीं जाता हूँ ना, तो उस दिन घर में बुरा हाल हो जाता है, और आज तो और होने वाला है, क्योंकि मैंने आज अपने वाइफ को चैलेंज कर लिया है कि कढ़ी बना के मैं खिलाऊंगा। तो देखते हैं कढ़ी कैसा बनता नहीं बनता है। आज वो बहुत खुश है, वो कह रही मैं आज छुट्टी पे हूँ, मैं चैलेंज की तैयार हूँ, और देख सकते हैं मैं किचन में आ गया हूँ। मैं तो अब किचन में आके कुक बन गया हूँ मैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कढ़ी कैसे बनता है। इतना सामने प्याज ले लिया है, और ये इतना सा लहसुन ले लिया है, और इतना अदरक ले लिया है, इसको पीस के हम डालेंगे कढ़ी में, और कैसे डालना है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए इतना सारा हमने छाछ ले लिया है दही की जगह, क्योंकि छाछ से बहुत बढ़िया बनता है, तो 3 किलो छाछ है दही का। और ये देखिए इतना हमने हल्दी ले लिया है, और इतना मिर्च ले लिया है, मिर्च कमनीस ले लिया है कि ताकि इसमें बाद में लगाने के लिए, छोक लगाने के लिए इसमें लाल मिर्च डालेंगे सूखा, तो उससे बढ़ जाएगा। और इतना सारा देखिए हमने बेसन लिया है, देख सकते हैं, और ये इसमें अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है, तो इसको हम इसमें सारा मिक्स करेंगे। देखिए इसमें हमने ये डाल दिया है, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखिए ये सारा बेसन हमने इसमें डाल दिया है, और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें हम सारा ये कच्चा मसाला भी डालना है इसको, तो ये हमने कच्चा मसाला डाल दिया, तो इसको हम बढ़िया से अब फेंट लेंगे। तो गाइस देखिए इसको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे, इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से, इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे कि बिल्कुल बढ़िया से मिल जाए, कि अगर नहीं से बढ़िया से मिलाएंगे तो गाढ़ गाढ़ गुठली गुठली सा बन जाएगा, तो ये पकने के बाद बेकार से लगेगा। तो जैसे कि अब देखते हैं इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हर वक्त चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं चलाइएगा तो गर्म होने के बाद ही बेसन जो है गुठली गुठली बन जाएगा, गांठ जैसे बनता है, तो इसे चलाने से गांठ ही बनेगा, बढ़िया से मिक्स होता रहेगा। इतना मैं हरी मिर्च डाल रहा हूँ जायका के लिए, इससे जायका आ जाता है, मर्जी है आप डालो या ना डालो, लेकिन हम डाल देते हैं, थोड़ा जायका से अच्छा आ जाता है। सो गाइस इसमें हमने इतना सारा प्याज काट लिया है पकौड़े बनाने के लिए, और थोड़ा सा हमने मिर्च हल्दी डाल दिया है, और थोड़ा सा डालूंगा मिर्च, तो ये देखिए डाल दिया थोड़ा सा मिर्च, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे तो हरी मिर्च इसमें मैंने काट दिया थोड़ा सा। सो गाइस इसमें देखिए हमने डाल दिया बेसन बढ़िया से, और अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक सही जितना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा डालेंगे हम, ये देखिए खाने वाला ये सोडा है ये, तो थोड़ा सा इसमें हाथ में लेके हम डालते हैं कि ताकि ज़्यादा ना पड़े। तो ये देखिए इसे अच्छी तरह से हमने मिला दिया है, अब इसके हम पकौड़ी बनाएंगे, और ये अच्छी तरह से पक गया है बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बढ़िया उबाल आ गया। यहाँ पकौड़ी बन रहे हैं तैयार होने के लिए, ये कढ़ी में डालेगा, पकौड़ी अब लाल हो रहा है, इसे तैयार होने के बाद इसे हम कढ़ी में डालेंगे, तो वो कहलाएगा ये कढ़ी पकौड़ा। देखिए अच्छी तरह से ये पक गया है, तो इसमें अब हम थोड़ा नमक डालेंगे, और ये देखिए पकौड़ी भी बनके तैयार है। इसमें अब हम नमक डाल दे रहे हैं, ये अच्छी तरह से पक चुका है, तो नमक डालने से उसके बाद उसे हम मिलाएंगे,
छोड़ दिया और इसको हम थोड़ा देर तक इसको खदकाएंगे कि ताकि इसमें पकौड़ा अच्छे से गल जाए। फिर इसमें हम छोंक लगाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा प्याज लाल हो रहा है, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे मिर्च, जीरा और खड़ा लहसुन, ये धनिया, उसमें इसको मिला के मिक्स करके हम लाल कर देंगे बढ़िया से। जब ये अच्छा से पक, ये बिल्कुल तैयार हो गया है तो इसको हम इसमें डालेंगे और ढक देंगे। गाइस कढ़ी हमारा तैयार हो गया है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लोगों तक शेयर करें। अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे देख के आप घर में बना के बच्चों को खिला सकते हैं और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।